आइए भाई साहब, पानी की बोतल दो भाई साहब। पानी की बोतल अभी देता हूँ, आओ इधर आओ। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। 20 रुपए दे रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो? बोतल 30 रुपए की है। एमआरपी तो 20 रुपए लिखी है भाई साहब। एमआरपी से क्या होता है भाई साहब, यहाँ तो 30 रुपए लेते हैं। ऐसे कैसे 30 रुपए ले रहे हो? एमआरपी से ज्यादा रेट कोई नहीं ले सकता, ये तो आप सरेआम फ्रॉड कर रहे हो भाई साहब। कितनी दूर से लेके आते हैं, फ्रिज में ठंडा करते हैं, इसको कैरी करते हैं, भाड़ा लगता है, 2 रुपए तो बचने होते हैं भाई साहब इसमें। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें किराया, भाड़ा, टैक्स जोड़ जाड़ के सब जो फाइनल रेट होता है कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये तो आप कानूनन गलत कर रहे हो भाई साहब। भाई साहब मैं कानून नहीं जानता। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, ये बोतल 150 रुपए खरीदते हो, आप 5-स्टार होटल में जाते हो, वहाँ 200 रुपए निकाल के दे देते हो, रेट भी नहीं पूछते, और एक हम जो गाँव में बैठे हैं इंटीरियर एरिया में, और वहाँ पे इसको 30 रुपए के बेच दिए, तो आपको बड़ा ही अजीब लग रहा है यार। अच्छे आदमी आप यार। भाई साहब जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, 5-स्टार में जाते हैं, उनकी जेब में लाखों रुपए होते हैं। हम एयरपोर्ट 5-स्टार में जाने वाले नहीं हैं। और सुना है एयरपोर्ट पे भी वाटर कूलर लगे होते हैं, पानी फ्री में भी मिलता है। आप तो यहाँ की बात करो। अरे भाई साहब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये बोतल 30 रुपए की अगर लेनी है तो ले, और ये पकड़ो आपके 20 रुपए, और टाइम खराब मत करो। अरे भाई साहब ये पानी है, आपने सुना नहीं पुराने जमाने में लोग पानी के लिए कुएं खुदवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे। आज भी इस गर्मी के मौसम में लोग जगह जगह पे पीने की प्याऊ लगवाते हैं, और आप ये कहो कि पानी के भी 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके आप यार, ये तो नजायज नहीं कर रहे दोस्त? अरे भाई साहब ये बोतल हमारे मुफ्त में नहीं आती, कितनी दूर से लेके आते आपको बताया तो है, और आप सोचते हो 30 रुपए में कुएं खुदवा दूं? अच्छे आदमी है यार, सुबह सुबह दिमाग खराब करते हैं यार। भाई साहब आप कैसे भी लेके आते हो, कितना भी खर्चा लगता हो, एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये कानूनन गलत है, आपकी कंप्लेन हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। भाई साहब मेरी दुकान मेरी बोतल, मैं चाहे जितने की बेचूं, तू कौन होता है कंप्लेन करने वाला? चल बाहर। मैं एमआरपी कंट्रोलर इंस्पेक्टर हूँ, यही चेक करने आया था कि कौन कौन एमआरपी से ज्यादा रेट लेते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपकी दुकान सीज होगी। भाई साहब प्लीज एक मिनट रुकिए, आप ले जाइए बोतल ले जाइए, कोई बात गलती होगी वैसा मेरे से गलती होगी। अब तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी सर, आप एमआरपी से ज्यादा पैसे लेके लोगों को लूटते हैं, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास, दुकान सीज करनी पड़ेगी। अरे सर कार्रवाई मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे सर, बच्चे मान लीजिए सर, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, मैं कौन से कमा लिया 2 रुपए की बोतल के पीछे? कोई बात नहीं सर, गलती होगी सर। आइंदा से ध्यान रखना, कभी इस तरह की गलती किसी और के साथ मत करना, और खास करके पानी के लिए। सर आप ले दीजिए, अरे सर नहीं आप रखिए सर। अरे सर, अरे सर आप बहुत दूर से पानी लेके आते हो। अरे सर कोई बात नहीं, खर्चा भी अरे कुछ नहीं होता सर, कोई बात क्या फर्क पड़ेगा, आपको भी 2 पैसे कमाने होते हैं, इसलिए जरूरी है। सर कसम से मैं 2 महीने गर्मी में प्याऊ फ्री लगा दूंगा, आप ले जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पानी जैसी वो सुविधा देते हैं जो नजदीक में मिलती नहीं है, लेकिन नजायज फायदा ना सर नहीं लूंगा। हे भगवान आज तो आपने बचा लिया, वरना सारी पूंजी चली जाती। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, एमआरपी से ज्यादा नहीं लूंगा किसी से, और खास करके पानी का तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, पानी की प्याऊ भी लगाऊंगा। परमात्मा।